हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। आज हम बात करेंगे NCHMCET JEE 2022 एग्जाम फॉर्म जो कि आउट हो चुका है, प्लस कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन 999 ओनली। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन देखने के लिए आपने गूगल पे टाइप करना है NCHMCET। ओके, और यहाँ से आप जाएंगे NCHMCET होम, है ना। ये नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। ये वो बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, जितने भी IHMs हैं इंडिया में उन सब की वी कैन से दिस इज द गवर्निंग बॉडी। ओके, यहाँ पे गाइज आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखेंगे ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है NCHM JEE 2022 फॉर 3 ईयर्स BSc एंड फॉर 2 ईयर्स MSc। तो गाइज आपने क्लिक करना है फॉर 3 ईयर्स, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अभी जो पेज खुला है वो खुला है NTA का, है ना। यू नो NTA क्या है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ओके, यहीं पे आके आप जैसे इसे बॉटम में दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर NCHMCET JEE 2022, मतलब यहीं से आप फॉर्म को फिल करेंगे, है ना। पढ़े से पहले हमेशा यहाँ पे याद रखना कि आपके जो भी इस जब तक आपका एग्जाम होने जाता है और एग्जाम होने के बाद भी गाइस आपके आंसर की रिजल्ट सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा इसी पेज पे। ओके, तो इसमें जो राइट साइड में दिख रहा है आपको न्यूज एंड इवेंट्स, इसको आपने रेगुलरली चेक करते रहना है। ओके, और इसके बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आपने इसको एक बार चेक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, दिस इज योर NCHM 2022 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मीन्स यहाँ पे आपको जो 22 में एग्जाम होना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइज ऑलरेडी दी हुई है। प्लीज इसको आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे। इसमें गाइज सब कुछ मेंशन किया गया है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ पे सेंटर, कौन कौन से सेंटर हैं। ओके, एग्जाम किस मोड पे होगा, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग गाइज इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, और इसमें मैं आपको इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, है ना। यहाँ पे आपको गाइज सब कुछ एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन, है ना, सभी कुछ जो भी आपके डाउट्स हैं जो आप बाद में यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कमेंट करके, ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, है ना। फिर यूट्यूबर लगे होते हैं वीडियोज बनाने और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको पढ़िए, ओके, कंप्लीट पढ़िए, आपको गाइज सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटी बता देता हूँ। हाँ, ओके, 4 फरवरी से गाइज ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, है ना, और 3 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि अभी बहुत दूर है इसकी डेट भरने की, आराम से भरिएगा, आराम से भरिएगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा मानना है कि आपको जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर देना चाहिए, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ऐसे होता है बाद में बहुत ट्रैफिक आने वाला है, बहुत से बच्चे इसको अप्लाई करेंगे, बाद में कभी वेबसाइट हैंग होती है, कभी उस पर लोड आता है, फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो जितना जल्दी हो सके गाइज इस फॉर्म को भर दीजिए, अभी इस पर इतना ट्रैफिक नहीं आया होगा। ओके, तो 4 से ये इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप 4 तारीख से भर सकते हैं टिल 3rd of May। ओके, फीस यहाँ पे दे रखी है, जनरल जो है वो 1000 है, जनरल EWS जो है वो 700 है, उसके बाद 450 जो है वो आपकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए भी इस बार यहाँ पे उन्होंने 450 फीस गाइज रखी है, है ना। करेक्शन के लिए आप 4 से 6 मई में कुछ अगर गलत कर देते हो, गलत मत करना, क्योंकि इतने सारे वीडियोस यूट्यूबर बना रहे हैं आपके लिए। ओके, फॉर्म कैसे भरना है तो ध्यान से देख के फॉर्म भरिए, फिर भी कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो 4 से 6 मई के बीच में। ओके, एडमिट कार्ड डाउनलोड कब करना है अभी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये पहले मेंशन नहीं कर सकते, उस टाइम पर नहीं कैसे हालात होंगे कोरोना के जो भी है। ओके, एग्जाम आपको बताया कंप्यूटर पे होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, है ना। बहुत से बच्चों का ये था कि अक्सर घर पे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, गाइस ये ऑनलाइन होगा और सेंटर पे होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है, पैटर्न आप सबको पता है। ओके, 180 मिनट होंगे और आपके सामने 200 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो टोटल आपके 800 मार्क्स का पेपर होगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, एग्जाम सेंटर जो आप मेंशन करेंगे उनमें से कोई आपको मिलेगा, है ना। एग्जाम जो होना है वो मेन डेट 28 मई को आपका एग्जाम गाइज होना है, अगर सब कुछ एज पर प्लान रहा, अगर बीच में कोरोना कुछ होता है तो ये डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, बट अगर कुछ नहीं होता है तो 28 मई को आपका गाइज एग्जाम हो जाएगा। ओके,
बाकी इसमें बहुत डिटेल में दिए हैं, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, है ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप अभी +2 में हैं, आपने आज से पहले फॉर्म भरे होंगे, है ना, बाकी एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सिंपल है फॉर्म भरना, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग ही होती है गाइस। अगर आप खुद फॉर्म भरेंगे तभी सीखेंगे, ओके। और फिर भी आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बताया हुआ है, ओके। देन यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, बाकी इसमें सब कुछ बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से देख के फॉर्म को बहुत इजीली, बहुत आराम से, बिना किसी गलती के भर सकते हैं, ओके ओके। मैं आपको फॉर्म भर के नहीं दिखाऊंगा, वो बहुत इजी है। आपका नाम आपको लिखना है, आपके पेरेंट्स का नाम आपको पता है, सब कुछ आप लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि मैंने बहुत से फॉर्म भरे हैं, तो हमें करना क्या होता है। जैसे गाइज आपने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ा होगा ना, आपको यहाँ पे बहुत सी बातें देखी होंगी कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो का साइज कितना है, आपका साइन चाहिए, साइन का साइज कितना होना चाहिए। इसको बोलते हैं मीजा करना। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, ये एग्जाम देने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, आप जो टॉप IHM में जाएंगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपको वहाँ टीचर पढ़ाएंगे कि व्हाट इज मीजा। मीजा होता है किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम की तैयारी कर लेते हैं। जैसे किचन में काम करते हैं ना, खाना बनाना है तो पहले प्याज रख लेंगे, टमाटर रख लेंगे, कढ़ाई रख लेंगे, तेल रख लेंगे, सब कुछ हम एक स्मूथ लाइन कर लेंगे, फिर हम गैस को ऑन करेंगे और फटाफट बना देंगे। बस वो काम आपने यहाँ करना है। जो भी आपको सामान चाहिए, आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट फोटो चाहिए, कितना साइज चाहिए, है ना, आपके सिग्नेचर चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे एक फोल्डर बना के, एक पेन ड्राइव में या डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रख लो। एक बार डबल चेक कर लो कि जो भी सामान चाहिए वो आपने सारे एक बार एक फोल्डर में रख लिया है। उसके बाद आप फॉर्म को भरना शुरू करिए गाइज, ओके। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने गाइज खुल जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे गाइज आपने क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ओके। ये उनके लिए है राइट साइड में, जो जिन्होंने अपना फॉर्म भर लिया है और बाद में वो चेक करते हैं, ओके, स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आपने गाइज न्यू पे क्लिक करना है ना, और ऐसे करके गाइज आपके सामने पूरा फॉर्म खोलना शुरू हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे अगेन आपके सामने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, ओके। ये देखो यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है कि कितना साइज चाहिए फोटो का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, सिग्नेचर का, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। देन आप यहाँ पे टिक कर देंगे गाइज, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड, ओके। बस अब यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, ओके। बस इसको भरते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, भरते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, ओके। मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत इजी है। फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो गाइज आप मुझे बता देना, मैं जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी उसको मैं अलग से आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ओके। तो इस फॉर्म को भर के बहुत इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाएगा, आपकी वेबसाइट यू नो हैंग भी कर सकती है, तो भी बाद में बहुत दिक्कतें आती है। तो अभी से भर के इसको फ्री हो जाइए और एग्जाम की तैयारी पे फोकस करिए, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज, जो मैंने कहा कि 999 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, एज यू नो किराना एजुकेशन में बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चले हुए हैं, ओके, और हर साल चलते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये जो स्टडी मटेरियल है वो 999 में गाइस कैसे मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको पता है यू हैव टू ओपन माय ऐप, ओके, और इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इस पर बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए जा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको प्राइवेट बटन में दिख रहा होगा, ओके। इस ऐप को डाउनलोड करके आपने जाना है गाइज, ये इसका लैंडिंग पेज है। आप जाएंगे स्टोर पे, स्टोर पे जाने के बाद गाइज आप जाएंगे NC ऊपर जो आपको फोल्डर दिख रहे होंगे, होटल मैनेजमेंट है, NCHM है, ओके। आप किसी पे क्लिक कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे होटल मैनेजमेंट पे, ओके। यहाँ पे गाइज आपने जाना है सुपर वाला जो कोर्स है, या सुपर जिसका प्राइस मैंने कर दिया है 1999 ओनली, और उसमें भी 2 EMI आपके लिए अवेलेबल है, ओके। आप इसको गाइज ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ओके। गाइज ये जो कोर्स है आपका, ये 2021 का मोस्ट सेलिंग कोर्स था, ओके। ये कोर्स आपका 2021 में मोस्ट सेलिंग कोर्स था। उस टाइम इस कोर्स का प्राइस मैंने एक महीने के लिए 999 किया था गाइज, मोर देन 150 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया था। मोस्ट सेलिंग कोर्स है इस कोर्स में गाइज, आपको सब कुछ ही मिलने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो इस कोर्स में आप जैसे ही गाइज रीड मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है वीडियोस, PDF एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल टॉपिक, जितने भी आपके टॉपिक है 5 टॉपिक, उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन, ओके।
रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव क्लासेस जितनी भी हुई हैं, जो अभी भी चली हुई हैं लाइव क्लासेस, वो सारी रिकॉर्ड होके गाइज यहाँ पे अपलोड की जाती है ऑन डेली बेसिस। ओके, मॉक टेस्ट आपको सारे मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर पेपर के 2014 से लेके 21 तक सभी जो पेपर हुए हैं JEE के प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे आपको सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, जैसे कि NTA करवाता है वैसे मिलने वाला है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे, टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मंथ वाइज जी के 18 ऑनवर्ड्स, ओके, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज, एंड रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, ओके, जो प्रो एडवांस जो लाइव कोर्स है हमारा जिसका प्राइस 5000 है, उसमें जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी गाइज रिकॉर्ड होके आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। प्लस इसकी जो गाइज वैलिडिटी है वो रहने वाली है टिल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ देखो एक्सपायर्स एट 28 मई 2022, जिस दिन आपका एग्जाम होना है तब तक इसकी वैलिडिटी कर दी गई है, तो आप इसको तब तक बहुत ही इजीली इसके सारे कंटेंट को गाइस एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो 144 वीडियो 144 इसमें वीडियोस हैं, 67 PDF फाइल्स हैं, प्लस 222 टेस्ट हैं इसमें, मॉक टेस्ट है ना। अच्छा गाइस, इस कोर्स का प्राइस कर दिया गया है 1999 और वो भी इंस्टॉलमेंट में। गाइस इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जैसे आप इस पे पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दो इंस्टॉलमेंट दिखाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी 999 की, ओनली 999 यू हैव टू पे, और 31 मार्च तक आप 999 में देख सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी बहुतों के एग्जाम भी लगने हैं 10+2 के, तो उनका फोकस वहां पे रहेगा। ओके, लेकिन और इसलिए वो लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, बट उनके लिए क्या किया गया है कि ये वाला कोर्स गाइज आपके लिए बनाया हुआ है। 999 में आप 31 मार्च तक देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं तो आप 31 मार्च तक सब कुछ पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ओके, और गाइज उसके बाद अगर आप अभी नहीं ले सकते हैं इसको, तो आप उसको 31 मार्च के बाद ले सकते हैं, है ना, तब भी इसकी वैलिडिटी 28 मई तक रहने वाली है, तब भी आपको 999 ही पड़ेगा। तो मीन्स आपको 999 ही पढ़ने वाला है। ओके, तो अगर आप अभी ले लें तभी आपको 999 पड़ेगा। हाँ, अगर आपको उसको कंटिन्यू करना है 31 मार्च के बाद, है ना, तो आपको 999 गाइज और पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि बहुतों के एग्जाम भी हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम के बाद लेना चाहेंगे, है ना, वो प्लस टू के एग्जाम देने के बाद लेना चाहेंगे, तो अगर आप जैसे मार्च में उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो तब भी आप लेंगे, तो आपको 999 गाइज पढ़ने वाला है। ओके, और अगर आपने फुल पेमेंट करनी है तो आप 1999 पेमेंट करके 28 मई तक इसको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के सभी कंटेंट को गाइज असेस कर सकते हैं। लेट मी शो यू इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ओके, अब जैसे कंटेंट पे गाइज क्लिक करेंगे, इसमें आपको इतना मटेरियल मिलने वाला है 999 में, जितने कि आपको पूरी मार्केट में 999 में कहीं नहीं मिलने वाला। आई कैन चैलेंज इट। ओके, अब जैसे इंग्लिश पे जाएंगे तो आपको गाइज यहाँ पे इंग्लिश के ऑलरेडी 28 वीडियोज, जिनमें हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। आप यहाँ पे देखें, नाउन प्रोनाउन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस एवरीथिंग, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, प्लस ये लाइव क्लासेस देखें आप यहाँ पे। ओके, तो ये जो 21 में हुई थी और ये 22 की जो अभी हाल ही में लाइव क्लासेस हमारी हुई हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सारे लेक्चर्स जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस कंप्लीशन स्पेल टेस्ट सिंगुलर प्लूरल एवरीथिंग सभी हर एक लेक्चर गाइज आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में गाइज मिलने वाला है ना। प्लस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर देखो 14 से लेके, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, 14 से लेके गाइज आपको 21 तक के पेपर यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, वैसे आपके सभी टॉपिक्स के जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग, कल से हम मैथ्स शुरू करने वाले हैं, तो मैथ्स के सारे लाइव क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड होके यहाँ पे गाइज अपलोड होते रहेंगे। तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ये वाला कोर्स मैंने डिजाइन किया है। बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते लाइव क्लासेस, अफोर्ड नहीं कर सकते लाइव क्लासेस, तो गाइज इससे अफोर्डेबल कोर्स आपको नहीं मिलने वाला। और इस 999 में गाइज आपको सब कुछ मिलने वाला है जो भी आपको इस कोर्स में, इस एग्जाम में टॉप करने के लिए, टॉप IHM पाने के लिए चाहिए। ओके, सो गो फॉर इट। ओके, इसको कैसे बाय करना है सबको पता है, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, है ना, अपनी स्टेट चूज करेंगे एंड देन यू विल प्रोसीड टू पेमेंट। ऑलराइट, एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू द लैंडिंग पेज ऑफ यू नो पेमेंट गेटवे। ओके, तो गाइज यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये गाइज हमारा आज का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। सुपर कोर्स जो है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। इस कोर्स में आपको सब कुछ चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे
गाइस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।